हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आप सभी लोगों का आज की कमाल की वीडियो पर स्वागत है। तो भैया, आप सभी लोगों को पता है कि आपके प्यार एंड सपोर्ट से हमारी जो लाइफ थी वो पहले से डिसेबल हो गई थी, लेकिन आपके प्यार से नहीं यार, कुछ हेटर की वजह से। एंड उसी के बाद में हमारे लिए जो लाइफ थी भैया फाइनली कल रिवील हो गई, मतलब ये रिवील नहीं यार, इनेबल हो गई थी। तो भैया आप सभी को थैंक्स यार इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड फाइनली मैं कल लाइव भी आया था, तो भैया एक घंटे लाइव करने को इतना ज़्यादा जो मज़ा आया सच में क्या ही बोले। तो भैया आज की वीडियो की बात करते हैं। आप सभी को पता है एक दो बंदे ने मेरे पास कमेंट करके भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स बताओ जिस पर हम ज़्यादा वायरल हो सकते हैं। तो भैया मैंने सोचा इस पर पूरे डेडिकेट वीडियो बनाने चाहिए, मतलब पूरी डेडिकेट वीडियो बनानी चाहिए। एंड मतलब सारे बंदे को पता भी चलना चाहिए कि भी कौन कौन सी कैटेगरी जो एकदम हाई फाई, मतलब एकदम टॉप पे चलती है। तो भैया इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आपको पता है यूट्यूब पर अगर कोई बंदा फायदा देखने का तो भैया सब्सक्राइब तो मारते ही, तो भैया सब्सक्राइब मारो एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक मारो। तो भैया स्टार्ट करते आज की कमाल। तो सबसे पहली और फर्स्ट जो कैटेगरी गाइस वो यार कॉमेडी की। देखो गाइस कॉमेडी में क्या होता है कि चाहे वो वीडियो पुरानी हो या फिर नई, और आपको एग्जांपल बताता हूं भैया 1 बिलियन व्यूज हो चुके हैं, मतलब होने वाले हैं यार 1 बिलियन व्यूज होने वाले यार इन जो देखो स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब समझ सकते हो। और कॉमेडी इतनी ज़्यादा वायरल होती है, और अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो ना कॉमेडी, तो भैया ज्वाइन कर लो यार, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला आपको, और उसमें अर्निंग भी आपकी अच्छी खासी हो सकती है। और आप सभी को बताना चाहूँगा चैनल पर नहीं हो तो भैया सब्सक्राइब मारो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोको। और चलो यार आगे की कैटेगरी की बात करते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी गई वो यार रोस्टिंग की। गाइज आप सभी को पता है रोस्टिंग का जो कल्चर आया था वो कैरी मिनाटी की वजह से आया था, और आज उनका चैनल लगभग 25 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। तो भैया आप सभी को बताने वाला हूँ मैं आज जो सेकंड जो है वो कैटेगरी है वो है अपनी रोस्टिंग की। एंड अगर आप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है भैया रोस्ट करने का और अच्छे तरीके से हो तो बिना गाली गलौज के, तो भैया आप कर सकते हो। और बात के मतलब टाइम वेस्ट क्यों करो, अभी से स्टार्ट करो रोस्टिंग करना। एंड सच में आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकते हो रोस्टिंग में, क्योंकि भाई वो वीडियो चाहे पुरानी हो या फिर नहीं, आपको सबसे ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। तो अगर इंटरेस्ट है तो भैया अभी जाओ। और गाइस अब बात करते हैं तीसरे नंबर जो कैटेगरी गाइस, उसके बारे में आप सभी आप में से बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी के होंगे, वो गाइस है टेक्निकल फील्ड के, मतलब टेक चैनल के। अगर गाइस आप इंटरेस्ट है आप कुछ बंदों को सिखा सकते हो, तो भैया आप टेक चैनल ओपन कर सकते हो और उस पर आप अच्छे खासे व्यूज सब्सक्राइबर उसका में पैसे भी कमा सकते हो। तो जो तीसरे नंबर भाई मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि टेक कैटेगरी में आप आराम से अर्निंग कर सकते हो और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर इंटरेस्ट है तो भैया ज्वाइन हो सकते हो एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी मारो। तो भैया ये जो तीसरे नंबर जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते इसको, बहुत यार कैटेगरी, तो भैया कैटेगरी तीसरे नंबर की। तो गाइस उसी के साथ में जो यार फोर्थ जो कैटेगरी है सच में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन आप करते ही नहीं ट्राई, तो भैया वो यार गेमिंग की। देखो गाइस तुम्हारे भाई ने भी अपना गेमिंग चैनल ओपन कर रखा है, अगर सपोर्ट दिखाना ही चाहते हो तो भैया जाओ उस चैनल पर सब्सक्राइब मारो, क्योंकि आप पता है मुझे आप में से कुछ बंदे सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब करना। और हाँ वीडियोस को वॉच करना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा भाई बहुत अच्छे अच्छे गेम प्ले डालता है। और आप सभी को बताना चाहूँगा उस गेमिंग चैनल पर बस मेरे ओनली फन के तौर पर काम करो, ठीक है ना गाइस, एकदम सीरियस नहीं, बस ओनली फन के टाइम पे। अब मैं आपको एक मोटिवेशन बात बताता हूँ, वो गाइस आपको पता है डायनेमो, डायनेमो को कौन नहीं पहचानता भैया, बच्चा बच्चा पहचानता है डायनेमो गाइस। एक वायरल भी होता सॉन्ग जिसमें बोलता पट्टा से हेडशॉट, आपको सुनाई भी दे रहा होगा अभी फिलहाल। तो भैया वो क्या होता है, उन्होंने मतलब 7 साल, मतलब 7 साल ओनली 7 साल 79 सब्सक्राइबर में काम चला है। अगर गाइस आपको यकीन नहीं आता तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो उनकी बायोग्राफी, और उन्होंने से खुद मतलब उन्होंने बोला कि मैंने ओनली 7 साल 79 सब्सक्राइबर में काम चला। आप समझ सकते हो फिर तो यार आप एक दो महीने में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लेते तो 100 सब्सक्राइबर तो गेन ही कर लेते, लेकिन उन्होंने 7 साल काम करा, तो आप समझ सकते हो उन बंदे की टैलेंट था तभी उन्होंने इतना काम करा। और अगर आप इंटरेस्ट रखते हो गेमिंग में तो भैया फटाफट से चालू करो अपना गेमिंग चैनल, एंड थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो भैया गेमिंग चैनल चालू करो और उस पर थोड़ा बहुत ग्रो, क्योंकि गेमिंग में क्या होता है अगर आप में थोड़ी सी स्किल है, आप अच्छे खेल लेते हो या फिर आपको मज़ा आता खेलने में, तो भैया जाओ गेमिंग चैनल। कई सर बात करते हैं फिफ्थ जो कैटेगरी है बहुत ज़्यादा ओसम है, लेकिन आप में से कुछ बंदे बोलेंगे भाई ये कुछ अलग ही लेवल की, लेकिन गई सच में ये थोड़े से अलग हटके लेकिन बहुत ज़्यादा व्यूज़ कमाती है ये गई जो कैटेगरी गई ये फिफ्थ नंबर पर आती है, इसका नाम है कुकिंग का। देखो गई आपके घर में अगर आपकी सिस्टर है या फिर आपकी मम्मी है, अगर उनका इंटरेस्ट है भैया अलग अलग चीज़ें डिश बनाने में, मतलब जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ समोसा बनाने, कचौरी बनाने में, तो भैया आप उनके ऊपर वीडियोज़ बना सकते हो। यूट्यूब पर आपको ढेरों वीडियोज़ मिलेगी, लेकिन उस पर व्यूज़ देखना आप 26 मिलियन 27 मिलियन 28 मिलियन 30 मिलियन, तो भैया आप देख सकते हो मतलब क्या ही मतलब कतई जहर वाले व्यूज़ आ रहे हैं। अगर इंटरेस्ट है भैया फिर सोचते हो कि कुकिंग करना है, तो भैया अभी से स्टार्ट करते हो कि इस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़। जब बात करते हैं सिक्स्थ नंबर की जो कैटेगरी की, सच में बहुत ज़्यादा औसम है, लेकिन इसमें आपकी अर्निंग उसके बाद में बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है और व्यूज़ तो भैया एकदम औसम आते। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको पता होगा न्यून मैन के बारे में, आपको नहीं पता तो मैं आपको स्क्रीनशॉट बता देता हूँ। न्यून मैन गाइस एक ऐसा चैनल जो मतलब सारी जो कम्युनिटी होती है जैसे अदर देश होते हैं, मतलब बहुत सारी अलग कंट्रियाँ होती है, उसके बाद में अपना ही देश होता है, उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में ला के देता है। ऐसा भी बहुत सारे चैनल बने लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, हर एक वीडियो पर उनके मतलब 20,000 30,000 व्यूज़ है, लेकिन सब्सक्राइबर ओनली 10,000 है, तो आप समझ सकते हो। और अगर गाइस आपकी वॉइस अच्छी, आपको फेस दिखाना नहीं है, तो आप न्यूज़ में आ सकते हो, न्यूज़ आपको अगर अच्छा लगता है और ट्रेंड में आपको पता है अभी सुशांत सिंह, उसके बाद में विनोद है, एंड भैया बहुत सारी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ गेन कर सकते हो।
अब गाइस यार बात करते हैं 7th नंबर की जो कैटेगरी की सबसे ज़्यादा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मस्त है। अगर गाइस आप शौक रखते हो अर्निंग में या फिर आप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि आप दूसरे लोगों को बता सके कि भाई इस ऐप से मैंने इतने रुपये कमाए और फिलहाल में तुम्हारे भाई का भी इंटरेस्ट है लेकिन थोड़ा सा हट चुका है तो मैं इस पर वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। और गाइस सबसे ज़्यादा बताऊँ ना आपको, अगर आपको यकीन नहीं आता या फिर आपको विश्वास नहीं होता आप जाओ मनोज दे के चैनल पर एंड उनका जो एक दोस्त है उनका नाम क्या था मैं आपको स्क्रीनशॉट पर बता देता हूँ, उनकी महीने की अर्निंग है ओनली 5 लाख रुपये और सब्सक्राइबर ओनली 2 लाख, मतलब समझ रहे हो गाइस इतनी ज़्यादा अर्निंग। और वो है ना रेफर भी करते, उसके बाद में उनका चैनल इतना बड़ा है और उसके बाद में उनको जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख तक की स्पॉन्सरशिप मिलती है। और गाइस आपको पता नहीं चलेगा कि उनकी वीडियो में स्पॉन्सरशिप है या फिर उनकी कुछ मतलब अलग ही खुद की डेडिकेट वीडियो है। तो भैया अर्निंग की जो सबसे ज़्यादा अगर आप पैसा कमाना चाहते हो मतलब पैसे पैसे में तुलना चाहते हो तो भैया आप अर्निंग चैनल ओपन कर सकते। अब गाइस यार बात करते हैं 8th नंबर की जो है कैटेगरी गाइस वो बहुत ज़्यादा ऑसम है, वो यार प्रैंक करना। आपको पता है अगर आपने थंबनेल एकदम मतलब मस्त से एकदम आग वाला लगा दिया फिर कुछ भी एकदम अलग तरीके से बना दिया है, हमें आपको स्क्रीनशॉट फिलहाल नहीं बता सकता क्योंकि गाइस देखो फ्रेम के में क्या होता है आप बता तो कुछ और लेकिन क्लिक बेट भी कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलते हैं, ज़्यादा एड मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो भैया आप प्रैंक भी कर सकते हो और अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैंक करना नहीं आता अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। और गाइस आपको मैं बताता हूँ कि एक चैनल है जिसका नाम है गुफू द राइडर, गाइस उनके चैनल पर आप जाके देखोगे तो भैया हर एक वीडियो पर आपको 1,000 मतलब 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ दिखेंगे और वो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं जिनसे यार उन पर कॉल पर बात करते हैं और उनके साथ प्रैंक करते हैं। और गाइस आपको मैं बताऊँ ना उनकी हर एक वीडियो पर अच्छा खासा उनको सब्सक्राइबर व्यूज़ और हर चीज़ मिलती है लेकिन उनका चैनल बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है इन चीज़ों से। तो भैया प्रैंक में इंटरेस्ट रखते हो तो भाई अभी जाकर ओके सर बात करते हैं 9th नंबर की जो कैटेगरी सच में बहुत ज़्यादा ऑसम है यार, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब मार दो। गाइस कार्टून देखना किसी को पसंद नहीं है, हर छोटा बच्चा यहाँ तक कि बड़े जो भी है वो भी कार्टून देखना पसंद करते हैं। एंड गाइस आप में थोड़ा सा भी ये मतलब इंटरेस्ट है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भैया आप एक काम कर सकते हो, न्यू फ्रेश आईडी बनाओ, वहाँ पर जाके कि यूट्यूब से कोई भी मोटू पतलू का मतलब वो उठा लो क्या बोलते हैं पर उसको कार्टून एंड उसको अपने वहीं पर आईडी पर अपलोड कर दो, इतनी मेरी गारंटी गाइस उसमें 1 से 2 मिनट में आपके 10 से 20 हज़ार तक व्यूज़ आ सकते हैं, 1 से 2 हज़ार भी व्यूज़ आ सकते हैं। एंड गाइस ये रियल यार मैं सच बता रहा हूँ, मेरे चैनल पर मैंने सोचा था कि नहीं यार ये हटेगी नहीं लेकिन मैंने थोड़ा सा एडिट करके डाल देता तो भैया चैनल पर स्ट्राइक भी पड़ गई थी, उसके बाद में वीडियो रिमूव भी हो गई थी, उसमें मेरे को उस टाइम सब खत्म हो गया था लेकिन सच में बहुत ज़्यादा वायरल होती है। और अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है वॉइस निकालने का या फिर कहे कि आप में थोड़ा सा भी एनिमेशन टाइप का कुछ कार्टून बनाएगा तो भाई सच में बहुत ज़्यादा वायरल हो सकता है। अब गाइस सर बात करते हैं आखिरी और 10वें नंबर की जो कैटेगरी गाइस वो क्या है, वो है गाइस म्यूजिक। आप में से बहुत लोगों का यार इंटरेस्ट है भैया म्यूजिक सुनने में और खुद का मतलब ट्यून बजाने में, तो भैया इस टैलेंट को बाहर निकालो, म्यूजिक बनाना सीखो। अब आप में से कुछ बोलेंगे भैया हमारे पास इतना कॉस्ट नहीं, हमारे पास इतना पेमेंट नहीं है कि हमें अपना खुद का म्यूजिक बनना है, तो भैया प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है आपको जो जमें उस पर आपको ट्राई करना है एंड भैया उस पर ऐसी एप्लीकेशन जिससे आप खुद का म्यूजिक बना सकते हो। और अगर आपको मैं बताना चाहूँगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, और आप में से कुछ बोलेंगे कि भैया तूने उसको एकदम आखिरी में रख रखा है तो यार ये क्या ग्रो होगा, तो भैया देखो हर वीडियो ग्रो होती है लेकिन आपकी मेहनत उस पर डिपेंड करती है। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब मारो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड यार बाय बाय।